दोस्तों, अगर आप भी भारत के जिम्बाब्वे सीरीज जीतने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम T20 मैच भी भारत ने जीतकर सीरीज को किया अपने नाम, तो जिसे देखकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन फिर भारत की बेइज्जती करते हुए ऐसा जहर उगला कि पूरा हिंदुस्तान बौखला उठा। तो आखिर कप्तान बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने ऐसा क्या टीम इंडिया की जीत पर दिया हैरान कर देने वाला बयान? क्यों घिनौनी हरकतों पर उतर आए पाक खिलाड़ी? भारत की जीत पर हैरत अंगेज बयान देते हुए क्या कुछ इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन बेहतर कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का अंतिम यानी पांचवा मुकाबला हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाज के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया को शुरुआत जयसवाल और गिल ने आक्रामक अंदाज में दी, लेकिन 40 रनों के ही स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन चले गए। मगर उसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और अर्धशतकीय साझेदारी बनाई, टीम के स्कोर को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। संजू ने अर्धशतक ठोका, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 167 रन बना सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। उसके बाद जिम्बाब्वे के बल्लेबाज पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत की आग उगलती हुई गेंदबाजी लाइनअप के आगे जिम्बाब्वे के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और अपना विकेट खो बैठे। और देखते ही देखते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को भी अपने नाम कर लिया और इसी के साथ सीरीज को बड़े ही आसानी से भारत ने जीत लिया। भारत की सीरीज में ऐतिहासिक जीत और युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर हर कोई खुश था। भारतीय खेमे में भी जीत की लहर थी, पूरे स्टेडियम में भारत की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क देश यानी पाकिस्तान भारतीय युवा टीम का प्रदर्शन और सीरीज पर कब्जा करते देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद भारत का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गया है और इन सभी का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत की जीत देखकर मजाक उड़ाते हुए कहा कि वाह, कमजोर टीम को हराना कितना आसान है। भारत ऐसा सेलिब्रेट कर रही है जिम्बाब्वे को हराकर, मानो एक और वर्ल्ड कप जीत लिया हो। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इस युवा टीम को कोई भी टीम बड़े ही आसानी से धूल चढ़ा सकती है, बेहद कमजोर टीम है। भारत की भी टीम, मुझे भी कोई खिलाड़ी पसंद नहीं आया, बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भले ही भारत ने सीरीज जीता, लेकिन जिम्बाब्वे ने हर किसी का दिल जीता है। मुझे तो भारत की टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। जी हाँ, या यूं कह लीजिए ये टीम बिल्कुल नकारा है। किसी भी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन कुछ खास नहीं किया है। भारत की इस टीम को कोई भी बड़ी टीम बड़े ही आसानी से धूल चटा सकती है और इनकी घमंड को चोर चोर कर सकती है। टीम के कप्तान गिल कुछ खास नहीं दिखा सके। साथ ही नसीम शाह ने कहा कि जिम्बाब्वे को हराकर भारत की युवा टीम घमंड में आ चुकी है, कभी मजबूत टीम से टकरा कर देखो, चकना चूर कर देंगे। कमजोर टीम को तो हर कोई हरा देता है, बेहद कमजोर टीम थी ये, कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। अगर यही टीम भारत की रही होती तो बुरा हाल होने वाला है, कोई भी टूर्नामेंट टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। ये टीम काफी ज्यादा खराब है, बीसीसीआई को नई टीम पर ध्यान देना होगा। तो वहीं तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी कहा कि या अल्लाह, शर्म करो इंडिया वालों, कमजोर टीम को हरा कर ऐसा कौन सेलिब्रेट करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिम्बाब्वे से वो भारत को एक न एक दिन जरूर हराएगी, क्योंकि टीम ने शानदार खेल दिखाया है, भारत को कांटे की टक्कर दी है। वैसे भी भारत की टीम कुछ खास नहीं है, बहुत कमजोर है और गिल की कप्तानी तो बिल्कुल भी बेकार है। अगर ऐसी ही टीम रही तो आगे चलकर भारत कोई भी सीरीज नहीं जीतेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीरीज का असली हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए अंतिम T20 मुकाबले में ऐसा मैच देखने को मिला जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। भारतीय बल्लेबाजों ने भी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को बनाया जमकर निशाना, तो वहीं जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी मैच को पलटने की करी पूरी कोशिश। तो आखिर भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? कप्तान गिल ने कितने रनों का दिया योगदान? कैसे ये मुकाबला देखकर हर कोई हो गया दंग? इस रोंगटे
खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन बेहतर कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का अंतिम यानी पांचवा T20 मैच हरारे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खुद कप्तान सिकंदर रजा भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। सिकंदर रजा की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन उसके बाद अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल करार दे दिया था। फिर क्या, भारतीय टीम के लिए ये सोने पर सुहागा था। बिना गेंद के भारतीय टीम का स्कोर 7 रनों तक पहुंच चुका था। फिर सिकंदर रजा के ओवर की पहली ही गेंद पर एक बार फिर जायसवाल ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक और छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। लेकिन जिम्बाब्वे की कप्तान सिकंदर रजा इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिए और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 13 रनों के स्कोर पर लगता है। जायसवाल टीम के लिए 5 बॉल पर 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर पहले ओवर में केवल 15 रन 1 विकेट पर बन पाया। अभिषेक और गिल पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए रिचर्ड नागरवा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को इस ओवर में काफी परेशान कर रहे थे। 1-1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे और इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने केवल 2 रन जोड़ पाए। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 17 रनों तक बन पाया था। विकेट की तलाश में जिम्बाब्वे के तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए फराज अकरम, इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गिल रुकने का नाम नहीं लिए, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धजिया उड़ाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी, इनका भी स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर किया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुजरबानी ने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को विकेट कीपर के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका केवल 38 रनों के स्कोर पर लगता है। अभिषेक शर्मा टीम के लिए 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन चले गए। भारतीय टीम की पारी लड़खड़ाती नजर आने लगी थी, लेकिन एक तरफ से कप्तान गिल मैदान पर डटे हुए थे और गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत का स्कोर 4 ओवर में केवल 38 रन 2 विकेट पर बन पाया था। जिम्बाब्वे की तरफ से विकेट की तलाश में 5वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज रिचर्ड नागरवा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और अपने शिकंजे में भारतीय बल्लेबाजों को कस के रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना भारतीय टीम को काफी मुश्किल हो रहा था। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर नागरवा ने शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के सीरीज जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों का बयान सामने आया। इस बीच वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम के जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल में कौन खतरनाक T20 बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम ने एक बार फिर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। दरअसल इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 20 ओवर में 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया था और इसका पीछा करने के लिए आए जिम्बाब्वे की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया। हालांकि भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करते हुए इस सीरीज को अपने नाम कर लिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर शानदार जीत मिल रही है, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से आज के दिन एक बार फिर से
संजू सैमसन ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई और उन्होंने सभी को बताया कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, लेकिन वहां पर उनको मौका ना देने के बाद अब यहां पर उन्हें मौका देते हुए भारतीय टीम ने अच्छा काम किया। जिसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के अंदर संजू सैमसन, शिवम दुबे और रियान पराग की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम के सभी